वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोगों ने वायरस समझ लिया था, वायरस का नेचर देख लिया था, वायरस क्या होता है, ठीक है, लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस एंड नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस हम लोगों ने देख लिए थे। आज जो हम लोगों को देखना है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में समझते हैं। देखिए, वायरस के क्लासिफिकेशन को करने में निम्नलिखित प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, इनके बारे में हमको समझना है। नंबर 1, वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैथोजेनिक हार्मफुल न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के बने होते हैं, पहली बात। इसी कारण क्या होता है कि इसके क्लासिफिकेशन में दिक्कत होती है। दूसरी बात क्या है, वायरस में लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर या प्रॉपर्टी पाए जाने के कारण इनके नेचर को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसी कारण वायरस को ऑर्गेनिज्म के सिमिलर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। अधिकतर थर्ड पॉइंट देखिए, वायरस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। इसी कारण क्या करते हैं, जब वायरस, भाई कोई चीज बहुत स्मॉल है तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानेंगे, तो इसलिए भी इसका क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत होती है। अगला पॉइंट देखिए, इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फॉसिल्स रिकॉर्ड कहने का मतलब होता है बेटा, फॉसिल्स कहने का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का कोई एंसेस्टर मौजूद रहा हो। एंसेस्टर कहने का मतलब क्या है कि जैसे आज इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर डायनासोर का युग होता है, तो उस युग में डायनासोर पाए जाते थे। आज हम लोगों ने डायनासोर नहीं देखे लेकिन उनके बारे में हमको पता है। क्या पता है, जुरासिक मूवी देखी है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने जुरासिक मूवी देखी है, उसमें जो डायनासोर दिखाए गए वो बिल्कुल सही हैं। हालांकि कुछ 3D लाइक स्ट्रक्चर उसमें बनाए गए हैं, कुछ इमेजिनेशन भी हैं, बट अगर देखा जाए तो डायनासोर्स हुआ करते थे इस पृथ्वी पर, आज नहीं है, ठीक है। ये हमको कैसे पता है, ये हमको इसलिए पता है क्योंकि उनका फॉसिल हमको मिला है, उनका कंकाल हमको पहाड़ों के नीचे चट्टानों के नीचे दबा हुआ मिला है, ठीक है ना। तो लेकिन वायरस का आज तक कोई फॉसिल रिकॉर्ड ही नहीं है, वायरस का ना ही तो कोई फॉसिल रिकॉर्ड मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि भैया नॉन लिविंग पार्टिकल है। जब नॉन लिविंग पार्टिकल है तो उसका फॉसिल्स क्या लेंगे, कि ये हजारों साल पहले का है या मान लो ये कल ही परसों पार्टिकल बना हो। समझ सकते हैं ना भाई, वायरस में म्यूटेशन होता है तो आपको मालूम है। अगला पॉइंट देखिए, वायरस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वायरस कभी भी अपने आप लिविंग नहीं रहता, ये हमेशा किसी दूसरे होस्ट पर ही क्या होता है, निर्भर रहता है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करनी, कि जैसे ये पॉइंट हमारा हो गया, अब इन्हीं के बेसिस पे जो साइंटिस्टों ने अपना वर्क किया है वो क्या किया है, देखिए। अच्छा ये मैं बोर्ड को कवर करने के लिए बेटा या ये लाइन वगैरह खींचा हूँ कि ये कवर हो जाए, तो एक बार में ही सब जो है ना लेक्चर को शूट कर लिया जाए, छोटा करके या बोर्ड को ज़्यादा कंबाइंड कर दिया मैंने, उसके लिए सॉरी, बट आप समझ सकते हैं, ये चीज़ इतना समझ लीजिए और इसके नीचे ही आपको ये लिखना है। देखिए, इसी के आधार पर अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा वायरस को इनके होस्ट तथा इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले इंफेक्शन के आधार पर वायरस को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से वो ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है वो प्लांट वायरस है, दूसरा ग्रुप है एनिमल वायरस। देखिए, प्लांट वायरस क्या कहता है, ऐसे वायरस जो सामान्य रूप से प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं उन्हें प्लांट वायरस के रूप में अपने होस्ट के बेसिस पर या अपने होस्ट के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है ना। अब वो भाई इसको समझिए, कह रहा है कि जो होस्ट है उसके आधार पर, कौन सा होस्ट है, प्लांट वायरस, यानी कि प्लांट कैसा है ना, प्लांट कौन सा प्लांट है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वायरसेस को डिस्क्राइब किया गया। जैसे कि एल्गी में यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी वायरस के कारण तो उसको एल्गल वायरस कहेंगे, या मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हुआ तो उसको बैक्टीरियल वायरस कहेंगे। बैक्टीरियल वायरस कौन सा है, आपका है बैक्टीरियोफेज। चलिए एनिमल वायरस की बात करते हैं। देखिए, ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्टेड करते हैं उन्हें एनिमल वायरस के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है ना, क्लासिफाइड किया जाता है। होस्ट के आधार पर इन वायरस को इनवर्टिब्रेट तथा वर्टिब्रेट के रूप में क्लासिफाइड किया गया। देखिए, जो होस्ट है, अब होस्ट कैसा है, वो इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है। देखिए, इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है। बहुत सारे हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, ये सब क्या है, प्लेटीहेलमेंथीज, ये सब क्या है आपके, नॉन कॉर्डेट है, ठीक है ना, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट कहने का मतलब अपन लोग हो गए या और भी बहुत सारे हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक लायन हो गया, ठीक है ना, टाइगर हो गया, डॉग हो गया, गॉट हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, तो इनके बेसिस पर किया गया। रेबीज हो गया, ये एक वायरस है। दूसरा है एलो फीवर वायरस, है ना, ब्लू टंग वायरस, ये सब क्या है, ये सब वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्टेड करते हैं। चलिए
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको याद रहना चाहिए, और याद अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मतलब मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए या याद रहना चाहिए। देखिए, एक साइंटिस्ट हैं हमारे, हॉलमैन, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या है उसके विषय में समझते हैं। हॉलमैन ने सभी वायरसेस को एक ऑर्डर में रखा, ठीक है ना, एक ऑर्डर में रखा जिसे वायरल्स कहा गया। क्या कहा गया बेटा? वायरल्स कहा गया। तथा इस ऑर्डर को 3 सब ऑर्डर में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। इस ऑर्डर को 3 सब ऑर्डर में क्या किया गया बेटा? डिवाइड किया गया। पहला जो ऑर्डर है वो है फैजीनिया, दूसरा है फाइफेजीनिया और तीसरा है जूफेजीनिया। देखिए, फैजीनिया क्या है? फैजीनिया कहने का मतलब है इन्फेक्टेड टू बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या उनको संक्रमित करते हैं उसको हम लोग फैजीनिया सब ऑर्डर के अंतर्गत रखेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपका क्या? बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। दूसरा है फाइफेजीनिया। फाई का मतलब यहाँ पर लिया गया है प्लांट से, है ना। फाई का मतलब किससे लिया गया है? प्लांट से। दैट मीन्स इन्फेक्टेड टू प्लांट। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्टेड करते हो, लाइक आपका TMV वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस एक ऐसा वायरस है जो टोबैको की लीफ को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। और हमारा एल्गल वायरस, ठीक है ना, एल्गी को जो क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। अगला देखिए, जूफेजीनिया। जूफेजीनिया क्या है? इन्फेक्टेड टू प्लांट, सॉरी इन्फेक्टेड टू एनिमल। ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हो उनको हम लोग किस सब ऑर्डर में रखे हैं? जूफेजीनिया में। तो कौन कौन सा है? लाइक रेबीज हो गया, एलो फीवर हो गया, है ना, ब्लू टंग वायरस हो गया। ये सारे के सारे कैसे वायरसेस हैं? जो फैजीनिया सब ऑर्डर में रखे गए। चलिए, एक और पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 साइंटिस्टों के बारे में मेंशन किया गया है। देखिए, एक हमारे साइंटिस्ट हैं लॉफ हॉरन और एक हैं टारनायर। लॉफ हॉरन और टारनायर ने वायरस के क्लासिफिकेशन को 1962 में दिया। इस बात को याद रखिए, लॉफ हॉरन और टारनायर ने वायरस के क्लासिफिकेशन को 1962 में दिया। किसके अंतर्गत दिया? वो दिया ICVN के अंतर्गत। ये कोड है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ICVN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल कमिटेड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसके अंतर्गत 1962 में क्या किया था इन भाई साहब ने या इन महाशय ने? क्लासिफिकेशन किया था वायरस का। अब ये जो क्लासिफिकेशन कर दिया तो ये क्वेश्चन आता है कि भैया बताइए कि लॉफ हॉरन और टारनायर के द्वारा जो 1962 में वायरस क्लासिफिकेशन दिया गया था इसको कब एक्सेप्ट किया गया? तो इसको एक्सेप्ट किया गया कब? 1966 में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। चलिए, अब हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। देखिए, वायरस असेलुलर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं जो केवल लिविंग सेल्स में एक्टिव रहते हैं। इनकी संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला भाग कौन सा है? साइज एंड शेप। तो शेप और साइज की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, इसका साइज 20 से 350 मिली माइक्रॉन का होता है। यानी इसका साइज जो होगा वो 20 से लेकर के 350 मिली माइक्रोन का होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसमें भी आपको खास बात याद रखनी है कि सबसे छोटे आकार वाला वायरस जो होता है वो फूट एंड माउथ डिजीज वाला होता है, और सबसे बड़े आकार वाला जो वायरस होता है वो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। फिर देखिए क्या कि बहुत सारे वायरस पार्टिकल डिफरेंट साइज वाले होते हैं जिन्हें इनके शेप एंड सिमिट्री के आधार पर डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है। देखिए, जैसे स्फेरिकल वायरस, कौन सा? स्फेरिकल वायरस, क्यूबिक हेलिकल वायरस और इलेप्टिकल वायरस। कौन सा वाला? इलेप्टिकल वायरस आदि। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ वायरस पार्टिकल स्पेशल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्पेशल साइज के होते हैं। और वो स्पेशल साइज क्या है? जैसे देखिए, बुलेट शेप वायरस। बुलेट शेप कहने का मतलब ये किसकी तरह होगा? बुलेट की तरह होगा। बुलेट वो रॉयल इनफील्ड नहीं, बुलेट ये कारतूत की गोली की वाले बात कर रहे हैं। और ब्रिक शेप मतलब ईंट के आकार का होता है आदि। देखिए, अगर हम इसके प्रोटीन कोट की बात करें तो प्रोटीन कोट में क्या होगा कि वायरस पार्टिकल एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के रूप में होता है जो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन
कवरिंग द्वारा घिरा रहता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कवरिंग द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है, जिसे प्रोटीन कोट, जिसे प्रोटीन कोट, या इसको एक और नाम देते हैं क्या हम लोग, कैप्सिड, जिसे प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड मेनी यूनिट यानी बहुत सारी यूनिट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिन्हें कैप्सोमियर, जो कैप्सिड होता है वो किससे बनता है, कैप्सोमियर के द्वारा बनता है, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट भी कहलाती है। प्रत्येक वायरस के कैप्सिड में पाए जाने वाले कैप्सोमियर की संख्या निश्चित होती है, यानी कि इनकी एक पर्टिकुलर संख्या ही होगी, एक निश्चित संख्या ही होगी, मान लो 200, 300, 250, इस हिसाब से क्या होता है इनकी संख्या पाई जाती है, 3000, 4000, इस लेवल पर क्या होगा इनका संख्या रहता है। प्रत्येक कैप्सोमियर अमीनो एसिड के द्वारा निर्मित होता है, ये बात भी याद रखिएगा कि जो कैप्सोमियर होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं बेटा, अमीनो एसिड के द्वारा बने होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इसमें कुछ खास बात है, कुछ वायरस पार्टिकल में कैप्सिड के चारों ओर फैट एंड प्रोटीन, यानी कि कुछ ऐसे भी वायरस पार्टिकल होते हैं जिनके कैप्सिड के चारों ओर क्या पाया जाता है, फैट और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की भी कवरिंग पाई जाती है, जिसे एनवलप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एनवलप। चलिए ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में, पहला शेप एंड साइज, दूसरा प्रोटीन कोड। अब हम लोग इसके देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। जी चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है वायरस का, उसे समझते हैं। देखिए वायरस के कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड के रूप में जेनेटिक मटेरियल अरेंज रहता है, जो डीएनए या आरएनए, दोनों चीज एक साथ नहीं रहती, अलग अलग रहती है, डीएनए या आरएनए के रूप में हो सकता है। अर्थात वायरस पार्टिकल में डीएनए एवं आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं रह सकते, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए वायरस के अंदर एक साथ नहीं रहते, या तो वायरस में डीएनए होगा या तो वायरस में आरएनए होगा, ये मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऐसे वायरस पार्टिकल जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में पाया जाता है राइबो वायरस कहलाते हैं, एवं जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है उन्हें डीऑक्सीराइबोवायरस कहते हैं, यानी कि जिनमें आरएनए पाया जाएगा उनको राइबोवायरस कहेंगे, और जिनमें डीएनए पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाएगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोवायरस। अगला पॉइंट देखिए, अधिकांश प्लांट वायरस में, यानी प्लांट वायरस की बात हो रही, अधिकांश प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है, इस बात को भी आप याद रख लीजिए कि डीएनए के रूप में अत्यधिक रूप से, या डीएनए जेनेटिक मटेरियल वायरस में अत्यधिक रूप से कौन से वायरस में पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं सर वो किस में पाया जाता है, वो प्लांट वायरस में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, वायरस पार्टिकल में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड केवल लिविंग होस्ट सेल में एक्टिव होते हैं, यानी कि जो लिविंग होस्ट सेल है उसी में क्या होगा ये पार्टिकल एक्टिव होंगे, एवं होस्ट सेल में प्रेजेंट एंजाइम, यानी कि हमारे अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं की हेल्प से रेप्लिकेशन, क्या करते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब द्विगुणन, ये अपने डीएनए को यहाँ पर क्या करेगा निर्मित कर लेगा, ए मतलब जाहिर सी बात है आपने रेप्लिकेशन का प्रोसेस इंटर में पढ़ा होगा भाई साहब, नहीं पढ़ा है तो वहाँ पढ़िए जा करके, वहाँ पर क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बन जाता है, ठीक है, और डीएनए से डीएनए बनने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम वायरस के पास में नहीं होता, समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या करता है हमारी ही सेल में आकर के, पहली बात तो ये हमारी सेल में आया, दूसरी बात ये हमारी सेल में आकर के हमारे एंजाइम का यूज करता है और अपने डीएनए को बना लेता है, ठीक है, तो वायरस काफी चालाक है। अगला पॉइंट देखिए, वायरस पार्टिकल का केमिकल कंपोजिशन, अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के रूप में होती है, ठीक है, जिसमें प्लांट वायरस, हम लोग प्लांट वायरस की डेफिनेटली बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट वायरस की बात करेंगे, जिसमें प्लांट वायरस के केमिकल कंपोजिशन में 95% प्रोटीन तथा 5% न्यूक्लिक एसिड होता है। आप याद रखिएगा कि प्लांट वायरस के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें प्रोटीन कितना होता है 95% और न्यूक्लिक एसिड कितना होता है बेटा 5%, क्लियर होता है। अगला पॉइंट देखिए, वायरस पार्टिकल में पाई जाने वाली प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली प्रोटीन से डिफरेंट होती है, ठीक है ना, यानी कि वायरस पार्टिकल में जो प्रोटीन पाई जा रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली प्रोटीन से क्या होगी, एकदम डिफरेंट होती है, उसके सिमिलर नहीं होती है।
तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमारा वायरोलॉजी कंप्लीट हुआ है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वायरस समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और वायरस के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली हो, तो आप लोग मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो डाली जाएंगी बीएससी लेवल पर, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितने भी बीएससी लेवल के, चाहे कि मैं जूलॉजी की बात करूँ, चाहे मैं बॉटनी की बात करूँ, और जूलॉजी बॉटनी के जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, वो आप प्ले लिस्ट में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जूलॉजी के अगर प्रोटोजोआ की बात करें, तो प्रोटोजोआ में काफ़ी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। वहाँ पर हम प्रोटोजोआ का जनरल करेक्टर देखते हैं, लाइक यूनिट फर्स्ट है ना, प्रोटोजोआ का पहला पेपर है, उसी पेपर में यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट क्या है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है उसका जनरल करेक्टर वगैरह मैंने बता के रखा, और इसके अंतर्गत जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं, लाइक अगर हम बात करें पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, युगलिना, तो इनका भी मैंने वहाँ पर डाल के रखा है। अब होता क्या है कि जब आप मेरे लेक्चर को देखेंगे, लाइक पैरामीशियम तो आपने देख लिया और आप युगलिना नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर एक यूनिट का अलग अलग लेक्चर को मैंने जो शूट किए हैं अभी तक, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसका एक फोल्डर अलग बना दिया है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। और दूसरी बात, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, वो इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि बेटा, मैं बिल्कुल नोट्स ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपका एक काम बनता है कि आप जब भी मेरे लेक्चर को देखें, तो आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कीजिए, और ये आपका एक नोट्स बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो बीएससी में आपको बिल्कुल घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, कि नोट्स नहीं मिलते थे, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं उनको भी आप डालिएगा कि सर अब मुझे ये वाला टॉपिक समझना है, मुझे ये वाला टॉपिक समझना है, तो स्पेशली मैं उस पर भी क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि टॉपिक बना करके आप सब तक पहुँचाऊँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।